नमस्कार, आज रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन को हम समझेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन का हमारे शरीर में सुनिश्चित होना, बेहतर होना, और किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन के अभाव में हम नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई लोगों को वेरिकोज वेन हो जाता है, यानी लेग के सारे नस दब जाते हैं, उनकी ओपनिंग नहीं होती है, फिर रक्त उस जगह पे नहीं जाने की वजह से व्यक्ति का पांव तक काटना पड़ता है। तो हम आज समझेंगे कि कैसे हमारे शरीर में ब्लड का ये सर्कुलेशन बना रहे, साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे रक्त हार्ट से निकल करके, ये जो रेड आप देख रहे हैं लाइन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि ये पूरी तरह से हार्ट से निकल करके रक्त वाहिनियों से होते हुए कोशिकाओं में जाता है, फिर सिराओं से होते हुए ये रिटर्न हो करके फिर हार्ट में आके जो गंदगी है उसको बाहर करता है, डिटॉक्स करता है, आपके शरीर को स्वस्थ करता है। तो यही आज समझने की कोशिश रहेगी। नमस्कार आप सभी को जो गुरु धीरज चैनल पे, कि सर्कुलेशन को हम बहुत बेहतर कैसे बनाएं, क्या करें। हम तमाम तरह के आपको टिप्स देंगे, आसन से लेकर के भोजन तक और बाकी चीज़ें। याद रखिए कि रक्त का सर्कुलेशन और रक्त का प्रेशर में आना दो डिफरेंट चीज़ है। जब हम योग में स्ट्रेचिंग करते हैं, आसन जैसे एक बहाना है ऑक्सीजन पहुंचाना, ऐसा मैं कहता रहता हूं, तो जब आप आसन करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आसन में प्राप्त स्ट्रेच आपकी धमनियों को, मसल्स को रिलैक्स करता है, और विज्ञान कहता है जितना हमारे अंदर का रिलैक्सेशन रहता है उतनी जो हमारी ओपनिंग है वो बेहतर होगी और रक्त का सर्कुलेशन उतना अच्छा होगा। रक्त के जरिए ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचेगा, हम बीमार नहीं होंगे, और जो गंदगी है बॉडी की उसको शरीर अपने मैकेनिज्म के द्वारा कलेक्ट करके बाहर निकाल देगा। अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो हम कचरे को भी बाहर उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं निकाल पाएंगे, हम बीमार फिर पड़ने लगेंगे। ज़्यादा कचरा होने से हम समय से पहले बूढ़े हो सकते हैं। तो सर्कुलेशन प्रॉपर होने से ना केवल आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि समय से कम उम्र के दिखेंगे, यानी जितनी उम्र है उससे कम दिखेंगे, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दौड़ के सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, दौड़ने से सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है बल्कि ब्लड पे प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ाना, तो आप समझते हैं ब्लड प्रेशर हो सकता है किसी व्यक्ति को, तो उसको सर्कुलेशन का बढ़ना हम नहीं कहते, या ब्लड प्रेशर का लो हो जाना भी सर्कुलेशन का बढ़ना नहीं कहते। तो सर्कुलेशन अलग है और प्रेशर ब्लड पे आना अलग है। तो जितना भी हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे मसल्स जो है टाइट हो जाता है, थक जाता है, तो अमुक जगह पे सर्कुलेशन बाधित होने लगता है और समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि योग के स्ट्रेचिंग को हम करें, आसन को करें, जो मसल पे स्टिफनेस नहीं लाता है बल्कि मसल को रिलैक्स करता है, धमनियों को रिलैक्स करता है, सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। तो ऐसे पहले 5 जरूरी योगासन स्ट्रेच को समझें। सबसे पहले जो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है मेरे लिए और आपके लिए भी, अधोमुख श्वानासन। आप पोस्चर को और बारीकी से देख सकें, दोनों हथेली को सामने लाएं और छाती के बराबर खोलें, उंगलियां सारी खुली रहे, पांव थोड़ा पीछे रखें, हिप डिस्टेंस पे पांव की उंगलियां अंदर, श्वास लें, धीरे धीरे ऊपर उठें बिना जोर लगाए। श्वास छोड़ते हुए आप अपने कंधे को प्रेस करें, कंफर्ट हो तो आप अपने पांव को सीधा करें। जैसे जैसे सीधा होता जाएगा आपको स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी आप देख रहे हैं स्ट्रेच हो रहा है, यानी सिर से लेकर के पूरा बैक तक और पूरा पांव का एरिया, पूरे हाथ का एरिया, शरीर का कोई भी हिस्सा बचेगा नहीं। आपको अगर बैक पे प्रॉब्लम हो तो नी को जरूर बैंड करें ताकि आप आसन में कंफर्ट होकर के देर तक ठहर सके। सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी सहजता में आप आसन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रुकें।
रोक सके, यानी 30 सेकेंड 40 सेकेंड और श्वास लेते रहना है लंबी गहरी, यही योगासन और एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में सर्कुलेशन को आप बढ़ाते हैं लेकिन ऑक्सीजन की खपत उसमें ज़्यादा होती है, बढ़ती नहीं। यहाँ धीमी गति से हम श्वास लेते बिना बॉडी को डिस्टर्ब किए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुँचता तो एक एक सेल हमारा नया हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, और जितना सेल नया होगा उतने हम बुढ़ापे को टाल सकते हैं, स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं, बीमारियों को टाल सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आसन जो हो सकता है वो त्रिकोण आसन है। इसमें भी आप देखिए फुल बॉडी स्ट्रेच है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, दीवार के साथ चिपक सकते हैं जिनको संतुलन का प्रॉब्लम है। आप पांव को खोलिए पर्याप्त मात्रा में, राइट वाला पंजा राइट साइड टर्न करें, आपका पेल्विक टर्न ना हो, गलत तरीका नहीं हो, इसके लिए तैयारी अच्छी हो, समझ अच्छी हो। श्वास लें हाथ ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए आगे लीजिए, आपको जितना झुका जाता है उतना ही झुके। कई लोग झुकने में बॉडी के पोस्चर को खराब कर देते हैं, इससे कमर दर्द की समस्या हो सकती है, योग में आएंगे नुकसान हो जाएगा, इसलिए सही सनातन वास्तविक योग समझना जरूरी है। आप उतना ही झुके जितना है, अगर बॉडी अलाउ करे तो धीरे धीरे जाए, आपका दोनों कंधा एक लाइन पे हो, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और हाथ को भी स्ट्रेच करके सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर की तरफ देखें और धीरे धीरे श्वास लें। आप चाहें तो यहाँ मुद्रा भी लगा सकते हैं। अब आसन में ठहरे और श्वास लें, धीरे धीरे वापस आएंगे, ख्याल रहे अपनी सीमाओं तक, अगर मुझे इतना ही शरीर अलाउ कर रहा है तो इतना ही झुके। दूसरी साइड भी करेंगे, यहाँ पे समय की मर्यादा है, आप जरूर दोनों साइड करें, मैं एक ही साइड दिखा रहा हूँ ताकि आपको समय ज़्यादा ना देना पड़े। अब तीसरा जो आसन है ये भी फुल बॉडी स्ट्रेच का तीसरा असरदार आसन, जो सर्कुलेशन सिस्टम बढ़ाने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी, मसल रिलैक्सेशन, शिरा धमनियों को खुलने वाला है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने वाला है। किसी को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो वाजिब तौर पे उसका सर्कुलेशन सिस्टम भी बाधित है, तो आप इन तरह के आसनों को जरूर करें। श्वास लें लंबी गहरी, श्वास छोड़ते हुए आगे की बढ़े। जिनको कमर दर्द की समस्या है वो नी को बेंड करें, थोड़ा स्लाइटली बेंड करके सिर को नीचे रखें। कई लोग शीर्षासन नहीं कर पाएंगे, आगे शीर्षासन बताऊंगा मैं, तो उसको प्रसारित पादुत्थान आसन कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथ को किसी भी तरीके से रखें, आपका पांव अगर सीधा जब होगा तो नी कैप को ऊपर उठाएं, पंजे को नीचे दबाएं, सिर को जमीन की तरफ जाने दें, कमर में स्टिफनेस हो तो नी को जरूर बैंड करें। आप चाहें तो इस तरह से अंगूठा भी पकड़ सकते हैं, आप देखिए इस तरह से और कंधे की तरफ से सॉल्व करें और बहुत धीरे से बिना जोर लगाए शांति से आप धीरे धीरे समय के साथ बने वापस आएंगे। हाथ नीचे करें, श्वास लें, ऊपर उठाएं, कमर पे हाथ रखिए, अगर वजन आ रहा हो जाता है तो नी को बैंड करें, श्वास लें कि स्पाइन को सीधी करके ऊपर। तो आप ये आसन ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनको आगे जाकर के शीर्षासन करने में दिक्कत हो रही है, वो भी सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खासतौर पे हार्ट लंग। इस आसन में यही हुआ जो मैं बताने जा रहा था कि आपका हमेशा ब्लड नीचे की तरफ इस तरह से धमनियों के धमनियाँ से रक्त की वाहिनियों से रक्त नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जब आप प्रसारित पादोत्थान आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन जैसे आसन करते हैं तो पहली दफ़ा ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन के तरफ, आपके हार्ट के तरफ, थायराइड के तरफ बढ़ता है, तो इन तमाम आंतरिक अंगों को बहुत लाभ पहुँचाता है। इसीलिए सर्वांगासन को सर्वांगासन नाम दिया गया, क्योंकि सभी अंगों को वह सप्लाई सर्कुलेशन बढ़ा देता है। तो सर्वांगासन हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कायदे से शीर्षासन करके सर्वांगासन करना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन के कारण कहीं भी नेक पे, कंधे पे टेंशन आया होगा तो सर्वांगासन है ये प्रतिक्रिया आसन, काउंटर पोस्चर की तरफ पे उसको रिलीव कर देगा। कैसे करें शीर्षासन, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, जिनको नहीं आता है एक वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन पे कि बैलेंस शीर्षासन में तुरंत कैसे प्राप्त करें, उसको आप कर सकते हैं। तो साइड व्यू से आप देखें चीज़ों को, यहाँ पे मैंने शीर्षासन के लिए हाथ का पोजीशन लिया, धीरे धीरे वॉक किया, कोई झटका नहीं हो किसी भी आसन में, झटका होगा तो उसको गलत माना जाएगा। धीरे से आप गए और यहाँ पे आप शीर्षासन के लिए रुक गए,
शांत होकर के आप बने रहें। हर आसन में जबरदस्ती नहीं करना है, आपको जितना कंफर्ट हो उतना ही रुकना है। धीरे धीरे रुकेंगे और जब पर्याप्त समय रुक जाए तो आप, मैंने सीधा पांव लाया, कई कई तरीका होता है, कई सारे तरीकों को देखने के लिए आप वीडियो देखें। यहाँ पे धीरे से आइए और नी को बेंड कर दीजिए। पहला जो काउंटर है शीर्षासन का, वो बालक आसन ही है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो बहुत ज़्यादा ब्रेन की तरफ आया है, अगर आप अचानक ऊपर उठ जाएंगे तो आपको चक्कर आ सकता है, आंख पे अतिरिक्त प्रेशर सडनली आ सकता है। इसीलिए पहले बालक आसन में रेस्ट करेंगे तभी आएंगे। किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, बैक का प्रॉब्लम हो, कंधे में चोट हो, तो शीर्षासन सर्वांगासन को एवॉइड करें। पहले इसको फिक्स करें, सर्वाइकल का वीडियो है, बैक पेन का वीडियो है, उसके बाद करें। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वांगासन के लिए। सर्वांगासन भी सर्कुलेशन के लिए पर्याप्त है, खासतौर पे आंतरिक अंगों का। उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा दोनों पाँव को, आप इजी तरीका है, सीधा है कि आप पाँव को सीधा उठाएं, लेकिन खासतौर पर जिनको कमर में दर्द है पाँव को बेंड कर सकते हैं और धीरे से अपने हाथ को अंदर ले जाएं और फिर थोड़ा सा फोल्ड करें। मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा फिर पीछे पाँव ले जाएं और धीरे धीरे अब हाथ को खोल लें और नी को बेंड करके आप और आसानी से उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट सीधा करें, आपका काम है सर्कुलेशन कराना, तो थोड़ा सा तिरछा रख के विपरीत करने की पोजिशन में रहेंगे तो आप सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। थोड़ा तिरछा रहिए क्योंकि सीधा रहने से आप बहुत देर नहीं टिक पाएंगे। ये तो सीधा रहना है, जरूरी नहीं है, थोड़ा तिरछा रहिए। अगर ज़्यादा नींद टीका रह जा सके तो ये रहेगा। हर आसन में शांति का, सहजता का होना जरूर आवश्यक है। शरीर जब इनकार कर रहा हो तो तुरंत वापस आइए, जबरदस्ती आसन में नहीं रुकिए, नहीं तो आप एक से तीन मिनट हर आसन में करें। फिर जब वापस आएंगे, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप हलासन करते हुए आ सकते हैं या नी को बेंड करके वापस इस तरफ से। अब काउंटर पोस्चर की जो मर्यादा है उसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। आप अंदर हाथ करें, मत्स्य आसन के लिए हम ऊपर उठाएं और छाती को खोलें, सिर को पीछे ले जाए, सिर नहीं जी जुड़ता है फिर भी इतना करने से भी मत्स्य का आसन काउंटर पोस्चर कर जाएगा या सिर को नीचे ले जाए। आंखें बंद कर लें, श्वास लें, फिर वापस सांस लें, ऊपर उठें। तो ये आपको मैंने महत्वपूर्ण सब आसन बताए कि पहला क्या था, अधोमुख श्वान आसन, त्रिकोण आसन, प्रसारित पाद उत्तानासन, ये तीन भी कर लिए। जो आगे नहीं कर पा रहे हैं सर्वांगासन, उनका एक और ऑप्शन है विपरीत करनी। इधर हाल ही में वेरिकोज वेन के लिए मैंने विपरीत करनी का भी वीडियो भेजा था, काफ़ी आपने सराहा, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, समझा है और अप्रिसिएट किया है। तो उसमें भी यही बात थी कि कैसे वेरिकोज वेन में सर्कुलेशन बढ़ा करके इस बीमारी को आप टाल सकते हैं जिसका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, उसको हम कैसे योग के जरिए टाल सकते हैं। और तो सर्वांगासन नहीं आए किसी भी वजह से, बैक में प्रॉब्लम हो, कमर में प्रॉब्लम हो, नहीं कर सकते हैं तो विपरीत करने के लिए शीर्षासन करना जरूरी नहीं है। नहीं हो पाता है तो उसके जगह प्रसारित पादोत्तानासन को 2 बार कर लीजिए, काफ़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बात कही, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जितना मसल्स को रिलैक्स करें तो उसके लिए क्या है, शवासन। शवासन का वीडियो निर्देशन वाला भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाला है, उसको आप देखिए। जितना आप रिलैक्स होइएगा, क्योंकि जो तनाव है, आपका तनाव कई बीमारियों की जड़ है, उसमें वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बाधित करता है। तनाव में आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती है, जैसे हम गुस्सा करें तो मसल मांसपेशियां क्या होती है, अकड़ जाती है, हमारी टाइट फील होती है। वाजिब तौर पे जब टाइट मसल्स होगी तो सर्कुलेशन का जो मार्ग है वो बाधित होगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है और इससे चीज़ें सर्कुलेट होने वाली, अब मैंने इसको टाइट कर दिया तो सर्कुलेशन बाधित हो जाएगा, इसलिए हार्ट अटैक आएगा, इसीलिए अच्छा से ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, आप टहल करके भी सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, और योगासन कैसा है, जैसे हवाई जहाज से आप दिल्ली जा रहे हैं। तो बुद्धिमान आदमी हवाई जहाज स्वीकार करेगा, इसलिए योगासन उपलब्ध है, इसका टिकट ले लीजिए और अच्छे से अपनी यात्रा को सुगम बनाइए। कई लोग दौड़ते हैं,
वो दौड़ना आपकी मांसपेशियों में जकड़न करेगी। भोजन को लेकर जो मैंने बात की थी, तो भोजन के लिए सबसे अच्छा है कि आप पानी का सेवन प्रॉपर तरीके से करिए। जितना अच्छे से पानी आप पिएंगे सर्कुलेशन सिस्टम को उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए हाइड्रेट रखें सबको। और फ्लैक्स सीड जो आप कहीं कई जगह पे उसको चिकना बोला जाता है बिहार जैसे क्षेत्रों में, तो आप फ्लैक्स सीड को, आप पम्पकिन सीड को, ये सबको इस्तेमाल कर सकते भोजन में, जिससे ओमेगा 3 मिलता है और वो खास तौर पर ब्रेन के तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। योग आसन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं या ऑक्सीजन लेंगे, अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं रहा तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। प्राणायाम कई लोग डायरेक्ट करते हैं, आसन नहीं करते हैं, तो प्राणायाम का लाभ नहीं मिल पाएगा। सर्कुलेशन को ओपन नहीं किया, हम लोग बोलते हैं नाड़ी शोधन, कि जब तक नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होगी उसमें कुछ भी प्राण पहुँचाए, ऑक्सीजन पहुँचाए, रक्त पहुँचाए, वो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला नहीं, थोड़ा कम काम आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए। और तनाव जो मैंने कहा, उससे रिलैक्स रहने के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, शवासन परम चीज़ है। और दूसरी जो गलत हैबिट है, देखा गया है कि स्मोकिंग करने वाले, अल्कोहल करने वाले के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम बाधित हो जाता है, वो जल्द बीमार होते हैं और कम आयु को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अच्छा है कि आप इस तरह की तमाम बुरी हैबिट से तत्काल तौबा कर लीजिए। अगर आपको एक भीतर में है कि उसको पीना ही आहट है, योग के जरिए कई लोगों ने हमारे कैंप में भी आकर के अल्कोहल तंबाकू को धीरे धीरे त्याग दिया है, क्योंकि भीतर का आनंद आएगा तो आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन जाएगा और तब जो अल्कोहल तंबाकू ये सब खा पी चबा रहे हैं वो भूल जाएंगे। स्वस्थ रहिए, ये आपका स्वभाव भी होना चाहिए और आपका उत्तरदायी भी है, ताकि आप स्वयं स्वस्थ रह करके समाज, राष्ट्र सबको बेहतर दिशा में ले जाएं। तो सनातन प्राचीन वास्तविक योग को अपनाइए, उछल कूद योग नहीं है, उससे बचिए। योग में मिलावट को बचाइए, शरीर के मिलावट को योग के स्ट्रेस से, आसन से दूर कीजिए। स्वस्थ रहें, मंगल रहें। हरिओम, जय भगवान कृष्ण।